हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काइनमास्टर के अंदर पार्टिकल्स नेम एनिमेशन इंट्रो कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट के बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा प्रीव्यू देख लीजिए, आज मैं आपको किस तरह का एनिमेशन इंट्रो क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज मैं आपको कुछ इसी तरह का नेम एनिमेशन इंट्रो काइनमास्टर में कैसे क्रिएट करना है सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट के बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का इंट्रो क्रिएट करने के लिए एक ऐप को यूज करना है जिसका नाम है काइनमास्टर। दोस्तों अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली काइनमास्टर ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काइनमास्टर ओपन हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस प्लस मार्क के ऊपर क्लिक करके 16:9 रेशो सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। सिंपली आपको जाना है यहाँ पर मीडिया के अंदर और बैकग्राउंड के अंदर जाइए, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, इसी के ऊपर आपको टच करना है और इसकी जो ड्यूरेशन है दोस्तों आपको कर लेना है 11 सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 11 सेकंड्स कर देने के बाद इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों आ जाना है इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर, और अभी आपको जाना है यहाँ पर लेयर के अंदर, और यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं टेक्स्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपका चैनल का नाम है उसको दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर यूअर नेम करके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एंड देन फिर आपको इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा। अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। कर देने के बाद में दोस्तों अगर आप इसका फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ए करके, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी फॉन्ट दोस्तों आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप यूज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है स्टोर का, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप डाउनलोड करके उसे भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट करा है यहाँ पर रोबोटो ब्लैक, इसके ऊपर क्लिक करके और इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसका कलर आपको चेंज करना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कलर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे कलर आपको मिल जाएंगे, आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है और इसको कर दीजिए ओके। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों की जो लेंथ है वो आपको सेम नहीं है। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, सारा से खींच करके यहाँ पर आपको इसको सेम कर लेना है और इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों आ जाना है इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर, और अभी आपको जाना है लेयर के अंदर और मीडिया के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी फोटो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक फोटेज है, आपको इसको लोड करना है। कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको की का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर से बस दोस्तों थोड़ा आगे जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री तक आने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो हटा करके यहाँ पर आपको रख देना है और इसको कर दीजिए ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसे एक बार मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा एनिमेशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी दोस्तों आपको इसको कर देना है सेव। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कुछ इस तरह का, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली एक्सपोर्ट यानी सेव हो चुका है। अभी आपको जाना है पूरा बैक और फिर से एक बार दोस्तों प्लस मार्क के ऊपर क्लिक करके और एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। सिंपली आपको जाना है मीडिया के अंदर और बैकग्राउंड के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों इसी के ऊपर आपको टच करना है और इसकी भी जो ड्यूरेशन है दोस्तों आपको इस बार कर लेना है 14 सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 सेकंड इतना रख लीजिए और इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों आ जाना इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर, और अभी आपको जाना है लेयर के अंदर और मीडिया के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे फोटेज है। दोस्तों यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का जो इमेज है इसको यहाँ पर आपको लोड करना है। सिंपली दोस्तों इस तरह से कर देने के बाद आपको फिट टू स्क्रीन करना है, और यहाँ पर राइट साइड पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों बस थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन, इसको सेलेक्ट करके दोस्तों इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों जाना है लेयर के अंदर और मीडिया के अंदर जाइए, और आपने अभी जो एक्सपोर्ट करा है दोस्तों उस वीडियो को यहाँ पर आपको लोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सिंपली यहाँ पर शो करेगा। अभी आपको क्या करना है, सिंपली जाना है वही नीचे और ब्लेंडिंग, फिर से दोस्तों इसको भी जो है स्क्रीन कर देना है और इसको कर दीजिए ओके। फिर दोस्तों जाना है लेयर के अंदर और मीडिया के अंदर जाइए, और आपका जो दूसरा फुटेज है दोस्तों ये वाला, इसको यहाँ पर आपको लोड करना है। सिंपली दोस्तों वही पूरा फुल स्क्रीन करना है इसको भी, और नीचे जाना है
और वही ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग, और इसको भी जो है दोस्तों स्क्रीन से लेकर के इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अपनी जो नेम वाली जो लेयर है फर्स्ट वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है की का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके बस दोस्तों थोड़ा आगे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 तक आने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लेस रखना है और इसका जो नाम है आपको कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है और इसको कर दीजिए ओके। तो दोस्तों आपका इंट्रो जो है क्रिएट हो चुका है, चलिए इसे एक बार मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा एनिमेशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके आप भी कुछ इस तरह के नेम एनिमेशन इंट्रो अपने एंड्रॉइड फोन में ही क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।